रात को तो एवर शाइन एकदम शाइन करने लग जाता है आरती है, एकदम मस्त लग रहा है। तो अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:30 और व्यूअर्स गजब का लग रहा है रात को ये होटल। तो हम गाड़ी पार्क करते हैं कोई अच्छी जगह ढूंढ के। तो अभी शाम के टाइम पे ये लाइट्स में क्या जबरदस्त लग रहा है, देखिए। मस्त लग रहा है एकदम। कर दिया। ये लाइट्स में देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है, देखिए। सो व्यूअर्स ये देखिए एवरशाइन रिजॉर्ट का रात का नजारा कितना प्यारा है, आप देखिए पूरा सजा हुआ है। और मैं और आरती अभी इस तरफ, यहाँ पर हमने हमारी टेबल बुक कर ली है और ऑर्डर कर चुके हैं हम। और ये देखिए जो मैंने आपको दिन में दिखाया था, ये सीटिंग एरिया देखिए आप कितना प्यारे तरीके से सजा रखा है, और रात को तो ये और अच्छा लगता है पूरा। So viewers, you can see how this beautiful tree it is looking। और ये देखिए स्विमिंग पूल का एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया था दिन में किस तरीके से लग रहा था पूरा एरिया, और अभी रात को आप देखिए यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी स्पेसेस हैं। बट मैं आपको बता दूँ, कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, जनवरी मंथ है, थोड़ा थर्ड वेव का पॉसिबिलिटी के चक्कर में इतने लोग होटल में आज नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी भीड़ कम नजर आ रही होगी। पर आप देखिए ये कितना शानदार लग रहा है, ये गेमिंग जोन जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये स्विमिंग पूल एरिया, और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो मेन बैठने की जगह है वो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज, सो इट्स लुकिंग अमेजिंग। और ठंड इतनी है कि मुझे बोलने में भी दिक्कत आ रही है। ये लोगों ने हीटर लगा रखे हैं यहाँ पे, आप देखिए स्टैंड हीटर्स आर देयर, तो हीटर्स के कारण लोग यहाँ पे आराम से बैठ पा रहे हैं। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो एवर शाइन इज लुकिंग एवर शाइनिंग एंड सी दिस, वो आरती वहाँ बैठी है और हमारी टेबल एक अभी जो है वो रेडी हो रही है जहाँ पे हम शिफ्ट होने वाले हैं, और ऑर्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। सो सी दिस होल प्लेस, स्लो फायर कुकिंग करके जो आपको सामने दिख रहा है, वहां से लेके तो अंदर तक बहुत ही जबरदस्त नजारा है। एंड सी दिस, ये ऑटो रिक्शा को किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है आप देखिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रात को। सी दिस होल, देखिए आप, तो देखिए आप कैसे आरती वहां पे बैठी हुई है चिल आउट करने। एंड दिस इज ऑल्सो वन प्लेस विच यू कैन बुक, ये अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे 1000 रुपीज दे के आप इस टेबल को ले सकते हैं। यहाँ पे जो है टेबल है और एक कपल यहाँ पे बैठा हुआ है, आप देखे, आई विल शो यू मोर।
ये देखिए चाय की टपरी जो हमने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाई थी, अभी क्लोज है। और यहाँ पे भी सीटिंग एरिया है, बट यूजुअली यहाँ पे लोग कम बैठे। और ये जो ऊपर आपको एक सीटिंग एरिया दिख रहा है, इट्स कॉल्ड एज मचान। और देखिए ये है एक सीटिंग एरिया मचान। सो दिस इज ऑल्सो इस प्लेस विच यू हैव टू रिजर्व फॉर सीटिंग। तो यहाँ ऊपर की तरफ बैठने के लिए भी एरिया है, ये देखिए आप। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अभी होटल की ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है, जब होटल फुल ऑक्यूपाइड होता है तो यहाँ पे बैठने के बहुत सारी जगह होती है। आप देखिए ये यहाँ पे भी फैमिली बैठ सकती है, हट है ये पूरा। ये देखिए पूरा ढाबा स्टाइल का यहाँ पे सेटअप कर रखा है। ये एक और हट देखिए आप, और ये देखिए सबसे ज़बरदस्त ये ट्रक देखिए आप। तो इस ट्रक के ऊपर भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, ये देखिए आप। तो कितना जबरदस्त सेटअप है ये देखिए आप। सो बिल्कुल रात का चिल आउट जो माहौल होता है वो बना के रखा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए आओ चिल करें एंड वाट लग गई। So viewers, this is the place which you can come to Mahabaleshwar. आप महाबलेश्वर आए एवर शाइन रिजॉर्ट को चेक आउट जरूर करिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, तो आप देख सकते हैं सामने लाइव सी फूड है। लॉबस्टर्स, फिश, एवरीथिंग। और यहाँ पे तैयार हो रहा है लाइव सी फूड अगर कोई ऑर्डर करता है तो। एंड दैट थिंग इज द मचान विच यू हैव टू बुक। अगर आपको वहां पे बैठना है तो आपको बुक करना पड़ेगा। सो द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस इज टोटली ऑसम। आप देखिए पूरा देखिए आप कितना शानदार लग रहा है यहाँ का पूरा। सो अभी कुछ ही देर में हम लोग हमारी टेबल पे शिफ्ट होने वाले हैं। आरती वेट कर रही है। तो आपको जैसे ही मैं बता चुका हूँ ये सारे रूम्स जो हैं वो सारे जिनकी बालकनीज जो हैं वो इस तरफ ओपन होती है, ये देखिए आप। And see this beautiful cycle rickshaw. तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आरती बोल, वो तो हमें पता ही है कि ओस इतनी गिर रही है कि आप देखिए कुर्सी और सब कुछ गीला हो चुका है। तो अभी हम लोग ने ऑर्डर जो किया है वो भी हम आपको बताएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो देखिए विनीत बैग मंगा चुके हैं, ड्रम्स ऑफ हेवन मींस चिकन लॉलीपॉप हमने मंगाया है स्टार्टर के लिए। ये देखिए और मेरी ब्रीजर आ रही है। अभी इतनी ठंडी हो रही है कि ये जो धुआं निकल रहा है अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, और इसकी वजह से हम बैठ पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ठंडा है यहाँ पे। ये देखिए हीटर लगा हुआ है। हाँ, नहीं तो बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडा है। तो अभी एंजॉय करते हैं हम। सो अब हमने ऑर्डर की है चिकन स्मोकी बिरयानी, और आप देखिए हम ट्राई करने के लिए बस हमारी प्लेट में सर्व हो चुका है। सो देखिए ऐसे मटके में स्मोक करके लेके आए थे चिकन बिरयानी को। हाँ, ये मटके के अंदर बिरयानी लेकर आए थे, और ये रायता भी सर्व किया गया है। सो अभी हम एंजॉय करते हैं मेन कोर्स यहाँ का। तो
हमने ब्राउनी विद आइसक्रीम मंगाया है सिज़लर। तो ये देखिए आप कैसा जबरदस्त लग रहा है। तो देखिए व्यूअर्स इस रिजॉर्ट का रात का नजारा। तो रात की लाइटिंग देखिए आप कैसी जबरदस्त हो रही और ओस पड़ने लग गई है तो सब जगह ऐसा गीला गीला हो रहा है। सिर्फ मैं और आरती ही है, अभी रात की 11 बज रही है और मैं और आरती ही है जो घूम रहे हैं इधर। सब लोग अंदर दुबक चुके ठंड के चक्कर में, है ना? ठंड बहुत है। आरती को मैंने बोला सर कवर कर, पर नहीं, बाप रे आगे तो बहुत अंधेरा है। आरती इधर अंदर अंधेरे में किधर जाने का? कैसा लग रहा है? अजीब सा, एकदम ही धुंध धुंध हो गई है पूरी। है ये हम दिन में आए थे तो कैसा था? इधर कोई बैठता भी होगा? हाँ मुझे लगता है सुबह आते होंगे। ये देखो ये साइकिल अभी बड़ी है, फूलों से सजी। आगे तो अंधेरा हो चुका है, अभी आगे नहीं जा सकते।